यूपी की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर अपनों ने ही अपनों का खून बहाया है। यहाँ पर छोटी बहन ने चंद पैसों के लालच में अपनी ही बड़ी बहन की हत्या करवा दी। यकीन नहीं होगा, लेकिन आज के जमाने में ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के खातिर अपनों का ही खून बहाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। जहाँ एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को सुपारी देकर चंद पैसों के खातिर मौत के घाट उतरवा दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या ऐसा भी संभव है? उजरिया गांव में रहने वाली 50 वर्षीय चंदा खातून संदिग्ध परिस्थितियों में पहले तो लापता हो जाती है, जिसके बाद शुरू होता है बहन का एक्शन ड्रामा। परिजनों ने थाने पहुंचकर 2 दिन बाद मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले को पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल ही दिया था, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल का नहीं था और गरीब परिवार से जुड़ा होने के चलते पुलिस की तफ्तीश वहीं थमी रही। इसके बाद एक शख्स ने थाने में आकर अपने आप को चंदा खातून का हत्यारा बताते हुए उसका शव भी इलाके से बरामद कराया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद। क्या वजह थी, किस वजह से मारा तुमने? साथ उनकी बहन, छोटी बहन से उनका मजाक आया था। उनकी छोटी बहन से बुड्ढी से मेरा अफेयर था। उन्होंने ये मरवाया मुझसे 1,00,000 रुपए देने के बाद। क्या कहा था? 1,00,000 रुपए हम तुमको देंगे अगर ये रास्ते से हट जाएं, इनका काम खत्म करा दीजिए, कोई भी करा दो, तुम नहीं मतलब किसी से भी करा दो, 1,00,000 रुपए देंगे। आगे आने की वजह क्या थी रास्ते से, कुछ बताया वजह? साहब जो भी वजह रही वो पैसे कौड़ी की बात होगी। अच्छा, क्योंकि उनके पास सब उन्हीं का है। कैसे तुमने पूरा कैसे हत्या की पूरा बताओ मुझे। साहब हम दुकान से उनको लेके निकले, ऑटो से यहाँ तक पैदल आए, चौराहे से ऑटो किया मैंने, यहाँ से उनको लेके गए। स्पोर्ट पहले से मैंने देखा हुआ था, वो बहुत आते जाते रहते थे वहाँ पे भाई। उसके बाद में वहाँ जाने का रीज़न था, उनकी बहन ने उनसे कहा था 2,00,000 रुपए एक आदमी से मैंने बहुत पहले दिए थे वो रिटर्न करेगा, और स्टेडियम के पास भी वो 5:30 और 6 के बीच में मिलेगा, आप जाना और ले लेना। रास्ता पीको वाले में इनके साथ चले जाना, वो मेरे साथ साथ गई। 100 मीटर मैंने पहले ऑटो छोड़ दिया ब्रिज के इस पर, उस पर जाने के बाद झाड़ियों के अंदर से मैं उनको रास्ता दिखाते दिखाते वो आगे चले, साथ में पीछे में मैंने पीछे से 2 हथौड़े मारे, वो वहीं पे गिर गई। मैंने खींच के उनको पानी में डाल दिया साहब, चूड़ियां निकाल दी साहब और गुंडा भी निकाल दिया है। हमने लाके बाद दिया जहाँ उन्होंने बताया था, यहाँ पे रख देना, बाद में इसको निकाल लिया जाएगा। साहब वहाँ से गुंडा भी गायब हो गया, सामान भी सब चला गया, और जो पैसे देने कहा था वो भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि पुलिस से बचाएंगे, वो भी नहीं। हत्या करने के बाद क्या बात हुई थी तुम्हारी? साहब उसके बाद मेरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उसके बाद करने के बाद कोई बात ही नहीं। अच्छा, कहाँ तुम छुपे थे उसके बाद? साहब कहीं नहीं छुपे। दरअसल 6 दिसंबर को अपनी ही घर से लापता हुई चंदा खातून लापता नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन रेशमा और गुड्डू के कहने पर निकली थी। छोटी बहन रेशमा ने मृतका चंदा खातून से कहा था कि एक शख्स है जो 2,00,000 रुपए देने आ रहा है, उसे सिर्फ पैसे जाकर लेने हैं और घर आ जाना है। लेकिन चंदा को ये नहीं पता था कि ये रुपए लेने की बात नहीं बल्कि उसकी मौत का एक्शन प्लान था, जो कि उसकी छोटी बहन ने बुना था। चंदा और रेशमा के दुकान में काम करने वाला अतीक और उसके साथ रेशमा ने भेजा और अतीक को ही उसका मर्डर करने के लिए 1,00,000 की सुपारी देकर मारने को कहा। गोमती नगर के स्टेडियम तक चंदा खातून ई रिक्शा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। गोमती नगर के इकोना स्टेडियम के पास पहुंचते ही उसके सर पर हथौड़ी से कई बार करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया गया और हाथ से कंगन और नाक की बूंदी उतार कर फरार हो गया। देखिए, गोमती नगर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें कि एक महिला का घर से चले जाने बताया गया था। उसी क्रम में पुलिस ने तभी से इसमें अपनी छानबीन और पड़ताल जारी रखी हुई थी। बाद में इस मर्डर का खुलासा हुआ कि उस महिला को उसी के साथ के एक व्यक्ति ने उसको ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस मर्डर का खुलासा हुआ, उसमें उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस ने जेल भेजा। बाद में पूछताछ में निकल के आया कि उसने उसमें उसकी बहन को भी आरोपी बनाया, उसको कहा कि इसकी कॉन्स्पिरेसी के साथ ही इसमें ये घटना की गई। हालांकि उसने अपने बयान में लगातार कॉन्ट्रडिक्शन आता रहा, उसमें जो उसके पहले बयान थे उसने उसके बाद दूसरे बयान दिए। लेकिन अभी चूंकि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर चुकी है और इसमें मजिस्ट्रियल इसमें स्टेटमेंट भी उसके नोट किए जाएंगे और जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसकी वेरिसिटी भी चेक की जाएगी और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। और ये पुलिस की तरफ से एक अच्छा खुलासा हुआ, जिसमें कि व्यक्ति ने पुलिस ने बार बार जब इसमें इंटरोगेशन की तो उसने कन्फेस की चीज़ और उसने खुद जाके डेड बॉडी को फिर रिकवर भी कराया। जी हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि वो उसकी बहन पे लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उसकी बहन ने उसको कुछ
पैसे दिए कि अगर आप पैसे देने की बात कही कि अगर आप ये मर्डर करोगे तो हम आपको बाद में ये पैसे देंगे, चूंकि उसके साथ उसके कुछ एक इनफॉर्मल संबंध भी हो गए थे जिसकी वजह से उसने ये मर्डर को कार्य किया। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो उसकी बहन के साथ उसकी जो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से कि उसकी बहन से उसके ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको मार दिया जाएगा और मारने के बाद हम लोग साथ रहेंगे और प्रॉपर्टी को साथ में शेयर करेंगे।